एवरीवन, आईटीआर भारत स्किल यूट्यूब चैनल तो आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, हमारे 125 क्वेश्चन की सीरीज़ करा रहे हैं और ऑल ट्रेड फर्स्ट ईयर वाले, चाहे मैकेनिकल के हों चाहे इलेक्ट्रिकल हों, सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट रहता है। इसलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक जितने मैं आपको सेट करवा रहा हूँ एग्ज़ाम से पहले पहले, मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ, जिससे कि आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, इसके मत करना। और चैनल पर दोस्तों अगर पहली बार विजिट कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या होगा नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को दोस्तों हम सीधा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ अच्छे से याद करते चाहिएगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा। अगस्त में आपका 7 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, जाँच करते समय ग्राहक के फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। मित्र पर ये गलत हो जाएगा, सपने पर, ड्रीम पर ये भी गलत हो जाएगा, पर्सनल नीड्स ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन जो राइट होगा वो हमारा कौन सा होगा, शरीर की भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लेना क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, यानी बॉडी लैंग्वेज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया, क्वेश्चन को अच्छे पढ़िए। क्वेश्चन में दिया है किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, अखंडता दिया गया है, बुद्धि दिया गया, कमिटमेंट दिया गया, आत्मविश्वास दिया। अगर आपने अच्छे से नेमी क्वेश्चन को अगर पढ़ रखा है तो आप आसानी से इसका राइट आंसर कमेंट करके आएंगे। ऑप्शन नंबर सी कमिटमेंट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को क्या बोलते हैं, कमिटमेंट कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया, और क्वेश्चन सीबीटी एग्ज़ाम में इसी तरह से आपको 4 ऑप्शन क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से कंप्यूटर पे क्वेश्चन और नीचे ए बी और सी डी करके ऑप्शन रहेंगे, तो आपको बताना होगा राइट आंसर, जिस तरह आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन इस तरीके से चिकित्सकीय जो होता है, लिसनिंग दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया कंप्रीहेंसिव लिसनिंग दिया गया है, और क्रिटिकल लिसनिंग दिया गया, और ऑप्शन डी आप कर दिया गया एप्रिसिएटिव लिसनिंग दिया गया, यानी प्रशंसात्मक लिसनिंग। तो उसका जो राइट आंसर वो आया हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी दिया गया, यानी प्रशंसात्मक लिसनिंग। आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना क्या के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता, प्रशंसात्मक लिसनिंग के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया सीपीयू में होते हैं, जो सीपीयू आपने देखा होगा, कंप्यूटर देखा होगा, तो उसमें एक सीपीयू रहता है, तो सीपीयू में क्या देखते हैं, मतलब क्या होता है, सीपीयू में इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस और कंट्रोल यूनिट होता है, या फिर कंट्रोल यूनिट और ALU होता है, या स्टोरेज डिवाइस एंड ALU होता है, लेकिन जो CPU में होता है वो है सबसे मेन बात है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कंट्रोल यूनिट और ALU। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन में दिया गया, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िएगा, एक मिनट। क्वेश्चन में है कि QMS का फुल फॉर्म पूछा गया, तो इस तरीके से आपको भटकाने के लिए 4 ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है QMS का फुल फॉर्म क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्यू का मतलब क्वालिटी होता है, एम का मतलब होता है मैनेजमेंट होता है, एस का मतलब होता है सिस्टम, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ आप क्वेश्चन ही याद कर लें, ठीक है, और बार बार रिवीजन भी करते चलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया, चौथी रो पंक्ति और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस क्या होता है, तो वो होता है हमारा D4 कहलाता है। क्या बोला जाएगा, D4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन में दिया गया है कि उनके पर्यावरण के संबंध में जीवित चीज़ों के अध्ययन को कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे, अर्थशास्त्र बोलेंगे, पारिस्थितिक तंत्र बोलेंगे, या एल्कोगुए बोलेंगे, या पारिस्थितिकी बोलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा होगा क्या होगा, डी इज़ राइट आंसर, पारिस्थितिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में दिया काइजेन संगठनों को सफल होने में मदद करने के लिए समग्र प्रक्रियाओं में सुधार लाता है, तो किस में सुधार लाएगा? देखिए, बड़ा और निरंतर लाएगा या निरंतर और छोटा लाएगा, छोटा और गंभीर लाएगा, छोटा और दुर्लभ लाएगा। तो इसका जो जिसने भी अच्छे से पढ़ रखा हुआ आंसर करे आएगा राइट आंसर निरंतर और छोटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं, 2024 में देखना आपको यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है? ठीक, कौन सा कारक नहीं हो की बात की गई है। देखिए, सुरक्षा दिया गया है, कल्याण यानी जो वेलफेयर दिया गया और हेल्थ दिया गया, तो जो वेतन दोस्तों दिया गया ये बी इज़ राइट आंसर, जो कि क्या स्वास्थ्य और सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी सुरक्षा, कल्याण और स्वास्थ्य ये सभी के सभी आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन एक वायु प्रदूषक है? तो वायु प्रदूषक की बात की, जो वायु को वातावरण को दूषित करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, नहीं करता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करता है, इतना ज़्यादा गर्म जरूर करता है वायुमंडल को, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी, ये वातावरण को दूषित ज़्यादा करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छे से याद कर लेना, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन में दिया गया, जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं ग्राहक के दर्द बिंदु जानने के लिए, विश्वास का निर्णय करें ताकि आप ईमानदार प्रतिक्रिया प्राप्त करें, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए। ग्राहक जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं, क्यों करते हैं, ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, बाकी डीज नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए वाक्य के उपयुक्त विशेषण जो था विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ दिया गया है कि द लिटिल गर्ल्स फिलिंदा ब्लेंस की जो इंग्लिश का आपका क्वेश्चन है, आइज रिवेल्ड हर मिसचीफ, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, ट्विंकलिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, जो फिल इन द ब्लैंक्स का पूर्ति यहाँ पर करेगा। ठीक है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया, कौन सा सोशल नेटवर्क साइट है? तो आपको याद होना चाहिए फेसबुक क्या है, एक सोशल नेटवर्क साइट, बाकी सोशल नेटवर्क साइट नहीं है। ठीक है, तो आजकल फेसबुक का नाम मेटा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हीरा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में दिया गया, गैर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन कौन सा है? मीथेन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, या सोलर है, सोलर है या कोयला है? तो गैर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन वो है कोयला, मतलब कोयला अगर एक बार ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा उत्पादन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये गैर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन रिफर टू, तो ये होता है ध्वनि का उत्पादन, उच्चारण को संदर्भ करता है वो कौन का, ध्वनि का उत्पादन जो था प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का जो सेट था 4 पूरा कंप्लीट हुआ। आपने हमारे पहला, दूसरा, तीसरा सेट नहीं देखा, मैं ज़्यादा लेंदी वीडियो भी नहीं बना रहा जिससे आप रिवीजन आसानी से, मेरी वीडियो 10 से 15 मिनट की रहती है जिससे कि आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर दोस्तों अगर पहली बार बैठकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होता है नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। अगर किसी प्रकार का सजेशन है, कोई डाउट है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं।